हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एक ऐसा हाईवे बनाया जा सकता है जो कि पूरी धरती को कवर करता हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। धरती पर रोड्स का नेटवर्क 64 मिलियन किलोमीटर लंबा है, लेकिन ऐसी कोई रोड मौजूद नहीं है जो आपको न्यूयॉर्क से केप टाउन लेके जाए। अगर हम इक्वेटर के ऊपर एक ऐसा हाईवे बनाएं जो कि पूरी धरती से गुजरता हो, तो आप दुनिया के हर देश पे बाय रोड ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इस हाईवे को बनाने की लागत बहुत ही ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होगा। एक नॉर्मल हाईवे को बनाने में ऑन एवरेज तकरीबन 5 से 10 साल का अरसा लगता है। अगर हम अपने इस इक्वेटोरियल हाईवे को इतने ही अरसे में बनाना चाहते हैं, तो इसके मुख्तलिफ हिस्सों में एक साथ काम करना पड़ेगा। इसके लिए तकरीबन 80 लाख स्किल्ड वर्कर्स और 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स की भारी रकम की ज़रूरत होगी। इक्वेटर 13 मुल्कों और 3 ओशन से होकर गुजरता है, तो इस हाईवे पर ट्रैवल करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप अपना ट्रिप साउथ अमेरिका में कोलंबिया से शुरू करें, तो आप ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया से गुजरेंगे, तो आपकी गाड़ी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम अच्छे से काम करना चाहिए। इसके बाद आप ब्राज़ील में पहाड़ों और अमेजोन रिवर से होते हुए भी गुजरेंगे। इसके बाद आप ब्राज़ील की अटलांटिक कोस्ट पे पहुंचेंगे और इस हाईवे के पहले अंडर वाटर स्ट्रेच में दाखिल हो जाएंगे। ये ग्रेट अटलांटिक स्ट्रेच बहुत लंबी होगी और इसका व्यू भी बहुत बोरिंग और डल होगा। कई दिन इस अंडर वाटर स्ट्रेच में सफ़र करने के बाद आप अफ्रीका में दाखिल हो जाएंगे। आप कॉन्गो के डेंस रेन फॉरेस्ट और केनिया के डेजर्ट से गुजरेंगे। इसके अलावा अफ्रीका के जंगलों से गुजरते हुए आपको कई ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद लैंड दोबारा ख़त्म हो जाएगी और आप ग्रेट इंडियन टनल में दाखिल हो जाएंगे। कुछ दिन सफ़र करने के बाद आप इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां शॉर्ट टनल्स की सीरीज से होते हुए आप एक आइलैंड से दूसरे तक जाएंगे। और जब भी आप लैंड पे वापस पहुंचेंगे, तो यहां का व्यू बहुत ज़्यादा शानदार होगा। इसके बाद आप द ग्रेट पैसिफिक टनल में दाखिल हो जाएंगे और ये टनल इस सफ़र की सबसे लंबी अंडर वाटर टनल होगी। इस टनल के ख़त्म होने से पहले गैलापागोस आइलैंड्स आएंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप साउथ अमेरिका में बिल्कुल वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने अपना सफ़र शुरू किया था। अगर आप 100 किलोमीटर पर आर की एवरेज स्पीड से चलें, तो इस हाईवे पर आपका ये सफ़र 400 घंटे या फिर 17 दिन बाद ख़त्म होगा। ओशंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आप 17 में से 12 दिन अंडर वाटर टनल्स में गुजारेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में, बने रहिएगा।